वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम कैफ थ्री बिजनेस लॉ में कंपनी लॉ सेक्शन के एमसीक्यूज करेंगे फ्रॉम पास्ट एग्जाम स्प्रिंग 2021 जो रिसेंटली हेल्ड हुआ है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर वन में 16 से लेके 30 तक जो क्वेश्चन हैं एम उनको कवर करेंगे टोटल फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन कैरीज़ वन मार्क तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसमें से है कि एनी चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कैल बी रिपोर्टेड बाई द कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज टू तो इसमें जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट है उसमें रजिस्ट्रार को हमने इन्फॉर्म करना होता है विद इन थर्टी डेज इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडर्ड टू बी प्राइम प्राइमोफेशा एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ अ लिस्टेड कंपनीज शेयर्स किसी भी कंपनी के शेयर्स uh, का जो प्राइम फैशा एविडेंस है यानी ऑन द फेस ऑफ इट जो एविडेंस है प्राइम प्राइमोफे लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑन द फेस ऑफ इट तो वो है या तो सर्टिफिकेट इशूड इन फिजिकल फॉर्म या जो इशूड इन बुक एंट्री फॉर्म जिसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं और जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं तो उनके लिए फिजिबल ये होता है कि वो शेयर सर्टिफिकेट जो है वो बुक एंट्री फॉर्म के अंदर इशू कर रही हूँ तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी सी नेक्स्ट है मिनट्स ऑफ ऑल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी शुड बी कैप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इन फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर अ पीरियड ऑफ तो ट्वेंटी ईयर्स इन फिजिकल फॉर्म परमानेंटली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो ये रिक्वायरमेंट डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द रेजोलूशन पास बायर्स थ्रू सर्कुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो जब एक बार मेंबर्स का एग्रीमेंट हो जाता है रिटर्न रेजोल्यूशन पे पास बाय सर्कुलेशन वंस इट इज सिग्निफाइड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड तो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट Next, Sunstone Limited is a public company with nine directors and paid-up capital of rupees 40 million. Of rupees 100 each, i.e., yani, the number of shares is 400,000. Khurram and Asim were elected as director in the recent elections by securing 4 lakh and 3 lakh votes, respectively. However, subsequently, both of them resigned. Nasir was appointed to fill the casual vacancy created by Khurram, while Asim's position is still vacant.

जिसमें हमने लेना है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म विच इज नाइन नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स फोर हंड्रेड थाउजेंड और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग जो है वो अब एट है तो इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो फोर फिफ्टी थाउजेंड हमारा आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस अप्रूवल ऑफ अ जनरल मीटिंग तो इसमें जो ऑथराइजेशन जनरल मीटिंग है उसमें तीन पॉइंट्स हैं जिसमें से सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर एक कंपनी ने सेल करना हो या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करना हो सब्सिडी ऑफ द कंपनी को तो उन्हें मेम्बर्स का अप्रूवल लेना होता है तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट बाकी जो आइटम्स हैं वो ऐसे नहीं हैं जिन उनके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन तो रिक्वायरमेंट हो सकती है लेकिन उनके लिए जनरल मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ राइन स्टोन लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज फोर मिलियन फेस वैल्यू ऑफ रुपीज फोर रुपीज टेन ईच तो ये जो इसमें हमारे टोटल शेयर बन जाएंगे वो फोर हंड्रेड थाउजेंड बन जाएंगे वॉज हेल्ड ऑन फिफ्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन विच सेवन डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड यासर सामिया एंड नोरियन देयर होल्डर ऑफ आर एल आर 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 ऑफ द ओपिनियन दट द इलेक्शन वर नॉट हेल्ड फियरली एंड मेटीरियल रेगुलरिटीज वर नोटेड द इंटेंट टू अपलाई टू द कोर्ट फॉर री इलेक्शन द शेयर होल्डर्स विल भी इलिजल टू फाइल देर एप्लीकेशन इफ द होल्ड एटलीस्ट Uh, कितने शेयर्स होने चाहिए तो एटलीस्ट टेन परसेंट हैं तो एक्सीडिंग टेन परसेंट नहीं है तो इसलिए फोर्टी थाउजेंड इज करेक्ट फोर लैख का टेन परसेंट ये हमें करेक्ट नहीं होगा उसके बाद जो इसकी टाइम लिमिट है वो है थर्टी डेज फिफ्थ मार्च से जब आप थर्टी डेज कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी फोर अप्रैल सो आर ऑप्शन वुड बी ए अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स एट द जनरल मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम तो अगर सेम सिटी के अंदर लोकेशन चेंज हो रही होती है क्योंकि जहाँ पे सिटी चेंज हो रहा होगा वहाँ पे तो स्पेशल रेजोल्यूशन है तो सिटी चेंज हो रहा है या कोई और पार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिटी में चेंज हो रहा है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है और जहाँ प्रोविंस या इस्लामाबाद के दरमियान भी ट्रांसफर हो रहा होगा तो यहाँ पर भी स्पेशल रेजोल्यूशन की भी जरूरत होगी बल्कि इवन कमीशन के अप्रूवल की भी जरूरत होगी तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी होगा क्योंकि विद इन द सेम सिटी जब चेंज करते हैं तो कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं बनती विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस प्रपोज टू बी प्रेजेंट इन इन द अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ नीलम लिमिटेड बी डीम्ड स्पेशल बिजनेस तो लॉ में चार बिजनेसिस गिवन हैं जो कि ऑर्डनरी बिजनेस होते हैं जिसमें अकाउंट्स का अप्रूवल भी है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर भी है और डिविडेंड की डिक्लेरेशन भी है तो ऑप्टेनिंग फाइनेंशियल फैसिलिटी ऑफ रुपीज हंड्रेड मिलियन जो है ये ऑर्डनरी बिजनेस नहीं है इट वुड बी स्पेशल बिजनेस यही हमारा आंसर होगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज इंटाइटल टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स डायरेक्टर्स होते हैं जी बिल्कुल लेकिन एट एनी टाइम नहीं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होते हैं तो हमारा जो आंसर है वो डायरेक्टर्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स है शेयर होल्डर्स का जो है ना कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है उन्हें अगर कंपनीज एक्ट अलाउ कर देगा या डायरेक्टर्स अलाउ कर देंगे या फिर जो है ना जनरल मीटिंग के थ्रू उन्हें ला होगा तभी वो उन्हें अलाव हो सकता है तो शेयर होल्डर्स तो इसमें नहीं आएंगे बिल्कुल The annual general meeting of Blue Ember Limited, a listed company having share capital of Rs 500 uh, million of Rs 10 each, was scheduled to be held on 6 March 2021 at 8.30 am. For which the notice of the meeting was sent on 12 Feb. To, din pehle notice chala gaya. On the day of meeting at 9 am, attendance of shareholder was as follows 10 persons holding 10 million shares and 5 persons holding 2 million shares jo present through proxies. So, 10 members' wali requirement. To, uh, पर्सनली होती है या थ्रू वीडियो लिंक होती है इसमें प्रॉक्सी नहीं काउंट करते लेकिन ये टेन मेंबर्स तो पूरे हो रहे हैं अच्छा उसके बाद जो आपका टेन का एक शेयर है तो आपके जो शेयर हैं वो फिफ्टी मिलियन है रिक्वायरमेंट जो है वो कम अज कम ट्वेंटी फाइव परसेंट वोटिंग पावर की है तो टेन और टू जो आपका बनेंगे ट्वेल्व बनेंगे ये बनती है ट्वेंटी फोर परसेंट तो कोरम पूरा नहीं हो रहा तो जाहिर बात है कि मीटिंग uh, कमेंट्स तो नहीं की जा सकती तो ऑप्शन ए वुड बी इनकरेक्ट उसके बाद ये क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग है तो ये तो मेंबर्स की रिक्वेजेशन पे बुलाई ही नहीं जाती तो डिसॉल्व होने वाला सीन भी नहीं है क्योंकि डिसॉल्व तब होता है जब मेंबर्स की रिक्वेजेशन पे बुलाया जाए और कोरम पूरा ना हो तो फिर डिसॉल्व हो जाती है मीटिंग सो so, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम इन प्लेस जो कि थर्टीन मार्च बनती है फ्रॉम सिक्स मार्च ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट

ये अगर होगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना उसका ऑफिस वकेट हो जाएगा ऑफ ऑफ टू सीज होल्ड ऑफिस इफ इज तो इसमें है थ्री मीटिंग द बोर्ड विदाउट सीकिंग लीव ऑफ तो बोर्ड मीटिंग ऑप्शन ए करेक्ट होगा जनरल मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी so option d would be correct. aquamarine private limited was incorporated on 1st january 2020 with an authorized share capital of rupees 500,001,000,000. secum capital or private company apl is required to accompany an affidavit with its annual financial statement confirming that the financial statements have been approved by the board. b option would be correct. so that's all for today. have a good day and share your feedback in the comments below.